हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी रिजल्ट 2023 के बारे में। तो रिजल्ट की डेट क्या है, कैसे आप रिजल्ट को चेक कर पाएंगे और क्या कुछ घोषणा निकल के सामने आ रही है बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला जी की तरफ से, तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो ठीक है, चलिए बात करें कि बोर्ड एग्जाम में आपके कुल जो छात्र सम्मिलित थे वो कुल 58 लाख छात्र थे, जिनके 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे। ठीक है, 16 फरवरी से पेपर थे, उनकी जो कॉपी चेक हो रही थी उनकी कॉपी चेकिंग कर ली गई है पूरी। ठीक है, कॉपी चेकिंग पूरी हो चुकी है और मूल्यांकन भी पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अब इनके बात आती है रिजल्ट की, कि रिजल्ट की डेट कब आएगी। तो जैसा कि बात करें 18 मार्च से 31 मार्च तक आपका हो गया कॉपी की चेकिंग। ठीक है, कॉपी चेकिंग जब हो गई उसके बाद क्या हुआ था, जिन छात्रों के जो प्रैक्टिकल एग्जाम थे, पहले प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट आई है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे ही फिनिश होते हैं तो आपका अप्रैल लास्ट में बोर्ड का रिजल्ट अप्रैल के 3rd सप्ताह में आपका घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 27 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 27 अप्रैल को आपके बोर्ड के रिजल्ट आने के 95% चांस है कि 27 अप्रैल को आपका बोर्ड का रिजल्ट आपकी वेबसाइट के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। वेबसाइट की बात करें तो सबसे ज्यादा सूचनाएं आपकी बोर्ड एग्जाम की UPMSP यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से की जाती है। ठीक है, अगर आप परिणाम से रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो बोर्ड ने उसके लिए भी एक हेल्प डेस्क बनाई हुई है, जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, कैसे करा पाएंगे, तो इसके लिए क्या किया है, उन्होंने हर क्षेत्र के माध्यम से कार्यालय बनाए हुए हैं, जहां पे आप फोन नंबर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो हेल्प डेस्क पर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, इसके 2 फॉर्म होते हैं, आप स्क्रूटनी करा सकते हैं या भी और भी कई सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, रिजल्ट आप कैसे चेक कर पाएंगे, तो UPMSP की वेबसाइट से आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की अलग अलग लिंक होती है, जहां आप जिस भी क्लास पर हो उस लिंक पर टैप करके आप अपना रोल नंबर दर्ज कराएंगे और विद्यालय कोड जो कि एडमिट कार्ड में दिया होता है जानकारी दर्ज करा के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।